इंदौर में बीजेपी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं पर छल कपट से कांग्रेस के पर्चे के साथ फोटो खींचने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा मच गया, जिसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा संगठन की सभी महिलाएं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाने छत्रीपुरा थाना पहुंची। महिला मोर्चा अध्यक्ष शैलजा मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस के विवेक खंडेलवाल, घनश्याम जोशी और गिरीश जोशी सहित कुछ कार्यकर्ताओं उनके घर पर आए थे। उनके पुराने परिचित होने के कारण उन्होंने शैलजा मिश्रा से कहा कि आप के सीएम काफ़ी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, हमें आपके साथ एक फ़ोटो खींचनी है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष को हाई शुगर होने के कारण शाम के समय अधिक नहीं दिखाई देता, जिस कारण से शैलजा मिश्रा ने एक पैम्पलेट को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ फ़ोटो खिंचवा ली। उन्हें यह नहीं मालूम था कि पैम्पलेट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता किस तरह से हमने शिकायत करी और किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है सर? अभी भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती शैलजा मिश्रा जी यहाँ पर एक शिकायत आवेदन लेकर आई हैं। उसमें उन्होंने शिकायत की है कि उनके निवास पर कांग्रेस के कुछ नेता गिरीश जोशी और एक जायसवाल हैं, इसके अलावा और भी अन्य नाम भी हैं जो इसमें अभी खुलासा नहीं हो पाए। उनके खिलाफ ये शिकायत की गई है कि उन्होंने श्रीमती शैलजा जी के घर पर आके और एक कोई पैम्फलेट या पर्चा जैसा उन्हें दिया और उनके साथ में खड़े होकर तत्काल एक फ़ोटो खिंचवा लिया। उसके बाद वो बिना कुछ बताए कहे सुने वहाँ से चले गए। जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे उस फोटो को इस आशय के साथ प्रकाशित किया कि शैलजा मिश्रा जी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की तारीफ़ की है, उनकी योजनाओं का सम्मान किया, जो भावी योजना का प्रशंसा की, एवं इसका यह आशय बताया गया कि उनका रुझान अब कांग्रेस पार्टी की ओर है। और इस बाबत उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि ये निहायत ही गलत भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसके अलावा जो फोटो ली गई है वो भी उनकी इच्छा के बिना ले ली गई थी और उनकी सहमति के बिना उसे प्रकाशित और प्रचारित किया जा रहा है। इस बाबत सुसंगत धाराओं में FIR अभी कायम की जा रही है और कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। जी हाँ, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे उन्होंने वो फोटो को वायरल किया और इसी आशय के साथ वायरल किया, साथ में कैप्शन दिया कि शैलजा मिश्रा जी कांग्रेस की योजनाओं से प्रभावित हैं और उनका रुझान है। इसके अलावा ट्विटर पर भी उन्होंने डाला है, उनके कार्यकर्ताओं ने। इसके अलावा व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर ये फोटो डालकर कैप्शन के साथ भ्रामक जानकारी प्रचारित की जा रही है। अभी 509 IPC और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला संज्ञान में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी धाराओं सुसंगत और वैधानिक आधार पर बढ़ाई जाएंगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।